हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं ब्रेड ऑमलेट। और दोस्तों, जब आप ब्रेकफास्ट के लिए कुछ सोच रहे हो बनाने की, आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और दोस्तों, इसको हमने ट्विस्ट के साथ बनाया है। वीडियो आप पूरा देखिएगा, अगर इस तरीके से आप बनाते हैं तो आपको स्वाद जरूर बहुत ही इसका बेहतरीन आने वाला है। तो दोस्तों, जैसे आपको देखिए स्ट्रीट में मिलता है ब्रेड ऑमलेट, उसी तरह के समझे बनाया है और इसको ट्विस्ट के साथ इसको हमने तैयार कर रहे हैं। तो चलिए झटपट तरीके से इसको बना लेते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ पंकज और स्वागत है आप सबका पंकज के चैनल में। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो इसके लिए दोस्तों, हमने 4 ब्रेड की स्लाइस ले ली है, साथ में 2 हमने अंडे ले लिए हैं। तो दोस्तों, सब पहला काम हमने देखिए बाउल हमने लिया है, इसमें हमको अंडे फोड़ के इस तरीके से रख लेने हैं। अब इसमें दोस्तों हम मिक्स करेंगे अपने मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डाल रहे हैं, स्वाद अनुसार इसमें नमक हमने डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों, इसमें हम डालने वाले हैं लाल दही मिर्च, कलर के लिए, बहुत ही अच्छा इसका कलर आएगा। साथ ही थोड़ा सा हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। और इसके बाद इसमें हम डालें कसूरी मेथी, अगर आपके पास अवेलेबल है आप इसको जरूर डालिए। अब इसको फटाफट से हम फेंट लेते हैं, जिससे सारे मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए। अब दोस्तों, इसमें मसाले इसलिए ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि हम इसको मसालेदार बना रहे हैं, जिससे चटपट तरीके से तैयार होगा। तो दोस्तों, आपको मसालेदार बिल्कुल चटपटा ये नाश्ता मिलेगा। तो चलिए फटाफट से इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। लास्ट में थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला भी डाल देते हैं। और गर्म मसाले के साथ दोस्तों, हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि सर्दियाँ दोस्तों, तो काली मिर्च को सर्दी में ज़रूर खानी चाहिए। तो इसको भी अच्छे से कर लीजिए अब आप मिक्स। तो चलिए फटाफट से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो इसी तरह के दोस्तों, आप मसाले इसमें डालिएगा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो चलिए, अब तवा हमारा गर्म हो चुका है, देखिए। अब इसमें सबसे हम डाल रहे हैं अमूल बटर। अगर दोस्तों आपके पास अमूल बटर अवेलेबल है तो ज़रूर इसको अमूल बटर में आप बनाइए, बहुत ही अच्छा इसका एक टेस्ट आता है। तो अमूल बटर को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं अमूल बटर अच्छे से इसमें मेल्ट हमने कर लिया है। इसके साथ ही दोस्तों, हम थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल ले रहे हैं। तो चलिए, हमने कुकिंग ऑयल भी इसमें ले लिया। इससे होगा कि दोस्तों, जब आप तवा आपका गर्म होगा तो आपका जो बटर होगा वो जलने से बच जाएगा। तो कुकिंग ऑयल और बटर को अच्छे से अब गर्म होने देते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, इसमें फटाफट से डाल लेते हैं जो हमने देखिए फेट के अंडे अपने रखे हुए थे। तो इस तरीके से इसमें डाल लीजिए आप, और इसको आप अच्छे से हमको फैला लेना है। तो दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा अंडों का इसको बनाना चाहते हैं तो आप दो से, देखिए हमने 2 अंडों को बनाया, आप 4 अंडों का इसको बना सकते हैं। इससे होगा क्या दोस्तों, जो अंडे की लेयर होगी वो थोड़ी सी मोटी आपकी बनेगी। तो चलिए, इसको चारों तरफ हमने अच्छे से फैला लिया है अब, और इसको एक तरफ से हमें बहुत ही अच्छे से सेकना है। सबसे पहला काम दोस्तों हमें करना क्या है, देखिए जो हमने ब्रेड के स्लाइस लिए उसको एक तरफ इस तरीके से रख लेना है आपको इसको, और इसको उठा लेना है और पलट कर रख लेना है। देखिए इस तरीके से आपको स्ट्रीट में भी ये मिलते हैं। तो फिर से दूसरे स्लाइस को उन्होंने रखा और इस तरीके से रख के फिर से इसको पलट दिया। अब इससे हुआ क्या दोस्तों, देखिए ब्रेड में दोनों तरफ जो ऑमलेट जो हमने अंडा लिया है वो अच्छे से मिल चुका है, और जो मसाला भी है दोस्तों, सारा फ्लेवर दोस्तों ब्रेड में जा चुका है। अब दोस्तों देखिए, हम इसमें डाल रहे हैं मेयोनीज, अगर आपके पास है तो इसको जरूर आप डालिएगा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट इसमें आने वाला है। तो चलिए मेयोनीज इसमें हम लगा लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं ले रही है दोस्तों, थोड़ी सी, क्योंकि मेयोनीज में हल्की सी खटास होती है, तो हमने नमक इसमें डाला हुआ पहले से, तो ये ज़्यादा नहीं तो नमकीन हो जाएगा। तो मेयोनीज को इस तरीके से हम फैला लेते हैं हम। और उसके बाद दोस्तों देखिए, मेयोनीज हमने बहुत ही अच्छे से फैला लिए, और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है जब ये बनकर तैयार होगा। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं देखिए केचप, देखिए टमाटो केचप इसमें हम डाल रहे हैं किसान का। इसको दोस्तों आप अपने हिसाब से, अगर आपको केचप अच्छा लगता है तो आप इसको डालिएगा, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो हमने केचप इसमें इस तरीके से डाल लेना है, और इसको भी अच्छे से ब्रेड के ऊपर फैला लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये बनाना है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और खुशबू दोस्तों, जो हमने इसमें कसूरी मेथी डाली है, इससे बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आएगी, उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा इसमें आता है। तो मसालेदार दोस्तों हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो रहा है। देखिए अब एक तरफ से पक चुका है जब, तो हमको इस तरीके से देखिए पलट लेना है, साइड में फोल्ड कर लेना है इसकी एक साइड को, इससे ब्रेड के अंदर अच्छे से फोल्ड, ऊपर से अच्छे फोल्ड हो जाए। दूसरी साइड से भी दोस्तों इसको फटाफट से हम फोल्ड कर लेते हैं। तो चलिए, दूसरी साइड से भी हमने अच्छे से फोल्ड इसमें कर लिया है। अब दोस्तों, क्योंकि हमारा तवा छोटा है तो इस वजह से कम फैला था, इसलिए थोड़ी सी हमको दिक्कत इसमें हो रही है। तो आप तो देखिए इस तरीके से बर्तन ले सकते हैं इससे, जिससे कि आप इसको फोल्ड कर सकें। अब दोस्तों इसको हमको पलटना होगा, देखिए पलटने की थोड़ी सावधानी आप रखिएगा। तो इस तरीके से आपको उठा लेना है, बीच में रखना है, नहीं तो आप ये टूट जाएंगे दोस्तों बीच से।
तो फटाक से इसको इस तरीके से आपको पलट लेना है। तो देखिए एक तरफ से हमारी बहुत ही अच्छे से ऑमलेट जो है, जो अंडा है वो ऑमलेट हमारा बन चुका है। तो दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से पकने देते हैं, जिससे दूसरी तरफ में जो हमने लेयर लगाई थी ऑमलेट की वो भी अच्छे से पक जाए। तो इसको दबाते हुए इस तरीके से प्रेस आप करिए। इसको फिर से हम पलट लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दूसरी तरफ कितना बढ़िया सा ये सिकी है हमारी ब्रेड, और कलर देखिए कितना बेहतरीन इसका आया हुआ है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए इसको अच्छे से पका लेना है। दोनों तरफ से हमारे बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, एक तरफ से हमारा अंडा बहुत ही अच्छे से पक चुका है, दूसरे से हमारी ब्रेड भी अच्छे से पकती है। अब इसको इस तरीके से हमको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों थोड़ी देर इसको और पकाना है हमने। तो देखिए दोस्तों कितने आसानी से हमने ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपको बताई है, जो ब्रेड ऑमलेट है। और सेम इसी तरीके से दोस्तों आपको स्ट्रीट में ही मिलता है, जो ठेलों में आप खाते हैं ब्रेड ऑमलेट, इसी तरीके से वो पकाते हैं। तो आप घर में इसको बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से आप दबा लीजिए अब, जिससे ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए। तो देखिए दोनों तरफ से आप इसको अच्छे से हमने सेक लेना है। देखिए वैसे भी पहले ही हमने इसको सेक लिया था। तो इस तरीके से दोस्तों हमको स्लाइस इसके कर लेना है, और आप केचप के साथ, चटनी के साथ दोस्तों आप इसको खा सकते हैं। और देखिए अंदर इसका मेयोनीज और जो हमने टोमेटो केचप डाला है, इसका स्वाद दोस्तों बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों हमारा ब्रेड ऑमलेट। तो रेसिपी दोस्तों आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द पंकज किचन में।